पहले तो भाई सबको राम राम भाई। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था, वो इस नोप के बारे में पूछ रहे थे कि भाई ये नोप के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो ही बना देते हैं, सब भाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई क्या रहता है, आप ये साइन देख रहे होंगे दोनों तरफ, भाई ये साइन सभी कार में रहते हैं। अगर जिस कार में ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी रहती है उसमें इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करते हैं, यहाँ पर बटन लगी रहती हैं, और इसमें इस तरीके से एक नॉब रहता है जो स्लाइड होता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो भाई लोग क्या करते हैं कि ये इस नॉब है, मतलब कि उनको मालूम ही नहीं रहता है किस चीज़ का नॉब है। तो भाई आज की वीडियो में अपन भाई इसी को आज अपन एक्सप्लोर करेंगे कि इस एक किस चीज़ का मतलब कि बटन है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार बनी है और इसमें एक एरो है जो कार के अंदर ही मूव कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है। तो मतलब कि इसका मतलब ये है जब अपन कार के एसी वेंट चलाएंगे, एसी वगैरह, अगर ये नॉब इस तरफ अपन ने स्लाइड कर दिया तो जो कार की एसी की हवा रहेगी, जो फैन हवा देंगे, वो कार के अंदर ही अंदर मूव करेगी, मतलब कि घूमेगी, मतलब कि जैसे कि ये फैन से हवा निकली तो वो बाहर नहीं जाएगी, यही हवा अंदर वापसी से फिर से बार बार ये घूमती रहेगी घूमती रहेगी। इसका मतलब कि ये है कि ये हवा को बाहर नहीं जाने देगा, अंदर ही अंदर इसको घुमाता रहेगा। और भाई जो ए वाला साइन है भाई, आप देख सकते हैं ये कार है और यहाँ पर इस शीशे के यहाँ से एक एरो बाहर से अंदर की ओर आया है, आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये इसका मतलब ये है कि जब आप कार के एसी वगैरह कुछ भी फैन वगैरह जब चलाएंगे, और अगर आपने इस नॉब को इस तरीके से कर दिया स्विच, तो भाई जो कार की ये हवा रहेगी वो कार यहाँ सर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से बाहर की हवा अंदर को आने लगेगी, मतलब कि जो रहेगा कि जो बाहर की फ्रेश एयर है वो कार के अंदर आने लगेगी, मतलब कि ऐसे ये फैन चल रहे हैं तो ये हवा अभी बाहर की तानती रहेगी। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आप इसको इस तरफ कर एसी चलाएंगे, जैसे ये मैंने एसी ऑन कर दी, अगर आप इसको इस तरफ कर एसी चलाएंगे तो भाई इसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि भाई जो हवा रहेगी वो अंदर बाहर से अपन जो तानेंगे तो भाई वो बाहर निकलती भी है, मतलब समझ रहे हो भाई मेरे, जो अपन एसी से ठंडी हवा लेंगे तो ठंडी हवा अंदर आएगी और बाहर जाएगी, मतलब कि क्या रहेगा, कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि हवा निकल भी रही है और आ भी रही है, मतलब कि जो एयर रहेगी वो तो उधर से आएगी और जो कार की एसी की जो गैस रहती वो उसमें मिलकर अंदर आएगी, तो जो बाहर हवा निकलेगी ना तो उसके साथ वो अपनी जो कार की एसी की गैस रहती है वो भी निकलेगी, मतलब कि कूलिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी। और अगर अपन ने इस साइन को वापसी से इस तरफ कर दिया तो जो एसी की हवा है वो अंदर ही अंदर रहेगी, बाहर निकलेगी नहीं कहीं से, मतलब कि इस साइन का मतलब ये है कि ये अंदर ही अंदर हवा को रखेगा, और इस तरफ कर देंगे तो ये बाहर से, मतलब कि बाहर की जो हवा है वो अंदर को और लेने लगेगा। और मैं आपको भाई इसको दिखा देता हूँ, ग्लव बॉक्स खोल के इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अपन इसको जरा इस तरीके से करके इसको निकाल देता हूँ मैं। तो भाई ये मैंने ग्लव बॉक्स खोल दिया है, भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इस बटन को मूव करूँगा तो आप देखना भाई यहाँ पर एक जो कवर है वो आगे पीछे की ओर होगा, देखो भाई ये देखो, मतलब कि ये अभी है अंदर की हवा अंदर ही आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका मुँह खुल गया है, ये देखो यहाँ से इसका ये मुँह खुल गया है, और मैं इसको अभी ये इस तरफ है देख लो भाई, तो ये इस तरीके से, और मैं इसको उस तरफ कर दूंगा तो भाई देखो जो ढक्कन है वो क्लोज हो गया है, मतलब कि अब जो ऊपर की ओर से हवा अंदर, वो जो अंदर फैन चल रहा है वो खींचने लगा, और जो फैन हवा खींच के फिर अपने जो कार के जो वेंट रहते हैं यहाँ से हवा देने लगा, मतलब कि इसी में इसका सब राज छुपा है, ये देखो इस तरीके से मैकेनिज्म यूज होता है, यहाँ इसमें कुछ नहीं होता है, एक बाइल लगा रहता है
जो कि इसको मूव करवाता है। तो भाई इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन इसका कमेंट आया था तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है। मेरा दोस्त बोल रहा था कि भाई मेरे को इसके बारे में। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो भाई कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और अगर भाई और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो भाई मेरे को कमेंट में लिख के बता दें। भाई कार के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको कौन सी वीडियो चाहिए किसी चीज़ की भी आपको समझ में नहीं आता तो भाई मेरे को आप कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी डाल दूँगा यूट्यूब। और भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी तो भाई प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको कार के रिलेटेड सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।